वी स्टार्ट विथ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉइंग्स होंगे बेटा, और आपको ये सब याद रखना पड़ेगा फॉर द डेज टू कम। सो गेट ऑन विथ योर पेंसिल, वी मे नॉट डू मैथमेटिक्स टूडे, वी विल डू लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। द चैप्टर इनिशियली विल कवर वन पोर्शन ऑफ एनसीईआरटी विच इज नोन एज, प्लीज बातें मत करो बेटा, एक बार क्लास शुरू हो जाना फिर क्यों बात। विल स्टार्ट विथ समथिंग कॉल्ड पॉलीगॉन्स और अ पॉलीगॉन, ओके। पॉलीगॉन, गॉन मीन्स एंगल, मेनी एंगल्स, पॉली मीन्स मेनी होता है, पॉलीथीन मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन। सो वॉट इज अ पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर, ठीक है। पहले पॉलीगॉन के बारे में जानते हैं। अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर, हाउएवर यू आर नॉट अलाउड टू हैव एनी कर्व्स इन इट, इट्स अ क्लोज्ड फिगर विच इज फॉर्म्ड आउट ऑफ lines. So the simplest polygon would be a triangle with two lines, you cannot close it. Can you close anything with two lines? No, this is geometry. So a simplest polygon would be a triangle. Aisa ye ho sakta hai polygon, sir ye bhi polygon ho sakta hai, bilkul. Sir how about I have designed something which is like this, ye polygon nahi hai. Samajh mein aaya? तो पॉलीगॉन्स में क्या क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली द एंगल्स। नाउ स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, व्हेन वी एक्चुअली डिनोट एन एंगल, लुक एट द वे आई एम डिनोटिंग दिस। नाउ दिस एंगल नीड नॉट बी इक्वल टू दिस एंगल, सो दिस एंगल विल डिनोट विद अ डिफरेंट साइन, दिस एंगल वी आर डिनोटिंग विद अ थ्री स्टार्स, मींस टू शो दैट दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, स्टैंडर्ड केस लिया है कोई भी एक ऐसा, समझ में आया। सो अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय लाइंस, यू आर नॉट अलाउड टू यूज कर्व्स। I still feel some people are missing in the class. Abhik is missing. Ved is missing. Bas, that's all na. Aur to koi nahi hai? Nahi hai. Aryan nahi hai. Aur to koi nahi hai? Aur nahi hai. Theek hai. We are actually, okay. Fine. So here polygon ke baare mein. The simplest polygon would be a, one of the example would be the triangle. Triangle is formed out of three sides. So triangle is a polygon. Ek hum aisa bhi polygon bana sakte hain. Ye dekho. Aise. Aise bhi polygon bana sakte hain. तो इन पॉलीगॉन्स के सबसे पहले कुछ नेम्स देखते हैं, कैसे नाम हम देते हैं नेम्स। अगर आपके पास थ्री साइड्स विच इज द बेयर मिनिमम टू स्टार्ट विथ, वी कॉल दिस एज अ ट्रायंगल। अगर इसमें चार साइड है तो हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्री, क्वाड मतलब क्यू यू ए ए आएगा एक, सॉरी हाँ आज बड़ा एरर हो रहा है, क्वाड्रिलैटरल। अगर आपके पॉलीगन में पांच साइड है, पांच का मतलब, और ये सब आपको खूब यूज होगा व्हेन यू विल बी एक्चुअली स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। व्हेन यू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट दैट टाइम दीज विल बी यूज्ड अ लॉट। सो दिस इज नोन एज पेंटागन, सिक्स होने से हेक्सा, सेवन होने से हेप्टा, एट होने से ऑक्टा, नाइन होने से नोना और टेन होने से डेका, इतना जानले से हो गया। जैसे ट्वेल्व साइज होने से डो डेकागॉन, ट्राई डेकागॉन, क्वाड्रो डेकागॉन, पेंटा डेकागॉन, ऐसे होता है तो ठीक है। पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, हम लोग ये सब बहुत डील करते हैं, हेक्सागॉन, पेंटागॉन, ये सब डील करते हैं। तो इतना समझ में आ गया। व्हाट इज अ पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर which is formed only by straight lines. You are not allowed to use curves in it. इसमें हम कर्व यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चा, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। सो अ पॉलीगॉन्स, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को देख के क्या लगता है, यू विल हैव व्हाट इज नोन एज द एंगल्स इनसाइड अ पॉलीगॉन एंड द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। इनको हम कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं, कॉर्नर्स बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, आप जो बोलो, इन्हें कॉर्नर बोल सकते हैं, वर्टेक्स बोल सकते हैं। आपके पास साइड्स है और आपके पास एंगल्स है पॉलीगॉन के। ये बेसिक चीज समझ में आ गया पॉलीगॉन के बारे में, बहुत अच्छी बात है। मिटाओ इसको, करें रबी डबीट, ओके, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, आवर चैप्टर इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, विल बी डीलिंग विद दैट फोर साइड वाला फिगर मोर। पॉलीगॉन के बारे में कुछ और चीज देख लेते हैं। नंबर वन, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर सुनते ही आपको एक चीज लग जाएगा, रेगुलर इज ऑलवेज एसोसिएटेड समथिंग विद अ डिसिप्लिन और अ डेफिनेट पैटर्न। अ रेगुलर चाइल्ड मतलब रोज स्कूल आता है, रेगुलर सुनते ही थोड़ा सा डिसिप्लिन।
तो रेगुलर पॉलीगन में कैसा रहता है बेटा, रेगुलर पॉलीगन के साइज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, साइज इक्वल होंगे, ठीक है, ऑल साइज इक्वल होंगे. फॉर एग्जाम्पल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन, है ना. तो सर पॉलीगन कब बोलते हैं, व्हेन देयर आर मेनी साइड्स. सपोज वी कैन इवन मेक स्मॉल 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 एंड हैव 23 साइड्स, 24 साइड्स आल्सो. सो 24 को और क्या नाम देंगे, उनको हम पॉलीगन बोल देते हैं, ज्यादा साइज होने से पॉलीगन हो गया, ठीक है. नाउ अ रेगुलर पॉलीगन में सारे साइड्स इक्वल होंगे. अब आइए एक पॉलीगन को देखते हैं. जैसे मान लीजिए सिंस आवर चैप्टर विल बी मोर अबाउट क्वाड्रिलेटरल, तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया है, फोर साइड्स. इनको जरा नाम देते हैं, ए बी सी और ये हो गया मेरा डी. ओके, फर्स्ट थिंग, व्हेनेवर यू नेम एनी फिगर इन ज्योमेट्री यू आर सपोज टू फॉलो आइदर अ साइक्लिक पैटर्न और अ काउंटर क्लॉकवाइज पैटर्न. यू कैनॉट नेम ए बी यहां पे सी और यहां पे डी, ए बी सी डी और ए बी सी डी, ये भी एक प्रैक्टिस है. सर इफ आई ट्राई टू नेम इट एज एम एन ओ पी, यस एम एन ओ पी इन दिस वे और एम एन ओ पी इन दिस वे, इट हैज टू बी इन अ रेगुलर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न. ये सब छोटी छोटी बातें याद रखिए, ठीक है. नाउ दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, सो इट हैज गॉट हाउ मेनी साइड्स, फोर साइड्स, ऑल फोर साइड्स आर अनइक्वल राइट नाउ. इफ यू सी देयर आर फोर एंगल्स, यहाँ पे हमें एंगल्स भी दिख रहे हैं, मैंने इन एंगल को सब अलग अलग करके नाम डिनोट किया है जस्ट टू शो दैट दे आर नॉट इक्वल, एंड आई एम नेमिंग दीज एंगल्स एज एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर. इसमें जो वन टू थ्री फोर है ना बेटा, क्योंकि ये अंदर है तो इसे हम कहते हैं इंटरनल एंगल्स. ये हो गए हमारे इंटरनल एंगल्स. हैव यू अंडरस्टूड, क्लियर, ठीक है. ये हो गए हमारे इंटरनल एंगल्स. इट इज नॉट रिलेटेड विद रेगुलर, और ये तो रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर नहीं है क्योंकि इसे चारों साइड इक्वली नहीं है पहले, ठीक है ना. इट्स नॉट रेगुलर. स्क्वायर जो है वो एक रेगुलर पॉलीगन है, सोचो स्क्वायर इज अ रेगुलर, चारों साइड इक्वल. नाउ नाउ द अदर पार्ट विच वी गोइंग टू सी दैट इज मोर इंटरेस्टिंग, जरा देखिए इसको, ठीक है. अभी आप जरा देखो, क्या आपको ये एंगल, अब लुक एट दीज टू साइड्स, ये दोनों साइड यहां पे जो एंगल बना रहा है ना, ये एंगल बन गया इसका इंटरनल एंगल, और ये एंगल बन जाता है इसका एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल. सिमिलरली दिस इज अनदर एक्सटीरियर एंगल, ऐसे एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं, ठीक है. विल गो एंड विल सी दोस. सो इफ यू आर अ रेगुलर पॉलीगन, योर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल, वेरी स्टाइलिश केस. All external angles are also equal. Point लग लीजिए पूरा. और ऐसे question आपको regular polygon लेके ही आएगा. Regular polygon. What do you understand by a regular polygon, sir? Any polygon which has all sides equal is a regular polygon. Here we will find all sides will be equal, all internal angles will be equal, and all external angles will be equal. समझ समझ के जाइए, जो चीज समझ में नहीं आएगा पूछिएगा. सारे इंटरनल एंगल इक्वल होते हैं, सारे एक्सटर्नल एंगल इक्वल होते हैं, और सारे साइड्स इक्वल होते हैं. किसमें, रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है ना. अगला ज्ञान, अब हम रेगुलर बात हटा देते हैं, क्या करते हैं, रेगुलर बात को हटा देते हैं. एंड इफ आई से ओनली पॉलीगन मींस इट इज अ यूनिवर्सल सत्य दैट आई एम गोइंग टू स्पीक नाउ, ट्रू फॉर एनी पॉलीगन, यूनिवर्सल सत्य, ठीक है, फॉर एनी पॉलीगन. इसका कितने भी साइड्स का हो, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है. सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स इज 360 डिग्री, वेदर यू आर रेगुलर, वेदर यू आर इरेगुलर, कैसा भी हो.
अच्छा नंबर वन ये हो गया. नंबर टू, कैन यू टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल? 180. नाउ विच एंगल्स, व्हेन यू से दैट विच एंगल्स आर यू लुकिंग एट? इंटरनल एंगल. नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इंटरनल एंगल क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, ठीक है, वो बड़ा केयरफुल होना है हमें. इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है. नाउ सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, नाउ दिस इज स्टाइलिश, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स एंड देयर विल बी अ पोटेंशियल चांस दैट यू विल फॉरगेट अबाउट इट. द बेस्ट वे टू रिमेंबर इज बाय ड्रॉइंग अ ट्रायंगल. 1, 2, 3. एक ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं बेटा? Let the number of sides be n, then in a triangle n is supposed to be 3. Have you understood? N denotes the number of sides of a triangle. Triangle mein kitne sides hote hain? 3 sides hote hain. Theek hai? Achha. Triangle ka sum of all angles kitna hota hai? 180. All angles is equal to 180 degree. Ab socho. Hum ek aisa formula banayenge jo triangle ke liye bhi chalega, quadrilateral ke liye bhi chalega, पेंटागॉन के लिए भी चलेगा, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, जितना गॉन सोच लो. चलो एक एग्जांपल के लिए एक स्क्वायर ले लेते हैं. स्क्वायर, स्क्वायर को आप क्या बोलोगे? हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 4 साइड्स. यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल है. व्हाट इज द एंगल ऑफ ईच इंटरनल एंगल ऑफ अ स्क्वायर? हाउ मच? 90 डिग्री. सो इफ यू एड ऑल द 90 डिग्रीज ऑफ ए स्क्वायर, हाउ मच डज इट टोटल अप टू? 360 डिग्री. यहां देखो तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360. बट टेल मी, इफ यू लुक एट साइड्स, देन एन हियर इज इक्वल टू 4. डू यू अग्री? एन इज 4, हियर एन इज 3. नाउ वी नीड टू मेक वन मास्टर फॉर्मूला. ऐसा फॉर्मूला जिससे हमारा सब पेंटागन, सारे पॉलीगन के इंटरनल एंगल्स के सम हम कर सके. वो फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, आपको आ जाता है कभी कभी यूनिट टेस्ट में. द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज n माइनस 2. जरा इसको इस पे अप्लाई करके देखो. यहां पे n कितना है? 3. 3 माइनस 2 इज हाउ मच? 1. 1 इंटू 180 इज 180. प्रूव्ड. इसके लिए अप्लाई करते हैं. चलो यहां n कितना है? 4. 4 माइनस 2 2. 2 इंटू 180 360. 90 90 90 90 360. सो इन दैट वे कैन यू टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन? पेंटा मींस 5. 5 माइनस 2 इज 3. 3 इंटू 180 विल गिव यू 540. हेक्सागन में कितना होगा? हेक्सागन हैज गॉट 6 साइड्स. 6 माइनस 2 इज 4. 4 इंटू 180 विल गिव मी हाउ मच? 18 4 720 हेक्सागन. ठीक है ना? क्लियर? ओके. दिस इज सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स. नाउ इफ द पॉलीगन इज रेगुलर, इफ द पॉलीगन इज रेगुलर, और इसी को लेके ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, देन ऑल एक्सटर्नल एंगल्स आर इक्वल. नंबर वन, all external angles are equal. All internal angles are also equal. Now look at this. Is a square a regular polygon? Yes, because all four sides are equal. Then are all the internal angles equal? Yes, 90 90. Are all the external angles equal? Yes, 90 90. ठीक है ना? 90 90. इसके भी external angle देख लो. एक एक्सटर्नल, इसको खींच देंगे तो ये एक एक्सटर्नल एंगल, इसको खींच देंगे ये एक एक्सटर्नल एंगल, इसको खींच दो ये एक एक्सटर्नल एंगल. 90 डिग्री. ठीक है ना? अब क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं हमारे? दे माइट टेल मी दैट द सम ऑफ, नाउ सी, हैव यू अंडरस्टूड दिस? इफ द पॉलीगॉन इज रेगुलर, ऑल एक्सटर्नल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल. अच्छा, टेल मी वन मोर थिंग. डोंट यू थिंक इन एनी पॉलीगॉन number of sides is always equal to number of internal angles? सोच के देखो.
थ्री साइड्स कितने इंटरनल एंगल, थ्री, फोर साइड्स कितने इंटरनल एंगल, फोर। अच्छा चलो एक पेंटागन बना के देखते हैं, ये पेंटागन है देखो, कितने साइड, वन टू थ्री फोर फाइव, एंगल कितने, एक दो तीन चार पांच, पांच साइड, पांच साइड पांच एंगल, ठीक है ना। अब हमें कोई सवाल पूछेगा, somebody tells us that I have a regular polygon, now let's just listen to the question, okay, can I rub this much portion children, okay, so what all did you study, पहले recap करते हैं, हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, polygon क्या होता है, polygon is that closed figure which is formed only by straight lines, a polygon will have internal angle as well as external angle and sides, we are more worried generally on the internal angles, then we learned about something called a regular polygon has got all sides equal, also all internal angles will be equal, all external angles will be equal, sum of all external angles of any polygon is 360, but if you are regular then the contributing angles will be equal, है ना, जैसे मैं आपको कहता हूं hexagon, hexagon बोले तो कितने साइड है, six sides, and if it is a regular hexagon means all six sides are equal, all six internal angles are equal, all six external angles are equal, so in a hexagon what should be my number of, what should be the sum of internal angle, आप करके देखो, 6 minus 2 into 180 degree, how much is it, 4 into 180 degree, then 4, 8, 32, 3, 720 degree is the sum of all internal angles, समझो, 720 is the sum of, एक hexagon ले लेते हैं, regular hexagon, this is a regular hexagon, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, सबको जोड़ने से कितना आता है, वी गेट 720, बट सिंस इट इज रेगुलर हेक्सागन द साइड्स आर आल्सो इक्वल, एंड हाउ डू वी शो इक्वल साइड्स, यू कैन पुट एनी सिंबल लाइक दिस, दिस शोस 111 डैश मींस दे, और यू कैन शो डबल डैश आल्सो, डोंट शो वन विद डबल डैश एंड वन विद ट्रिपल डैश, दिस शोस दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एज द नंबर ऑफ साइड्स एज मेनी एज द इंटरनल एंगल्स, नाउ समबडी इज आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच एंगल, then I will say 720 divided by 6 straight away, कितना हो गया, 120 degree is each internal angle, समझ में आया, suppose somebody tells you the sum of the exterior angles of a regular polygon is blah blah, right, and sum of the external angles of a regular so and so, and आपको कहता है how many number of sides are there or something, so once the name is given then you will be able to find sides and all, इतना क्लियर हुआ, इससे ज्यादा पॉलीगन में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, व्हाट इज अ पॉलीगन, इसमें हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इज n माइनस 2 इनटू 180, नंबर 1, सेकंड इज सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स इज 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स इज 360 डिग्री, ठीक है, क्लियर, छोड़े एक दो प्रॉब्लम्स करके देखते हैं ऑन पॉलीगन फ्रॉम एनसीईआरटी, विल डू easy easy problems, एक दो problem pick up करते हैं, let's see whether we have understood and then we will go back to our RS Agarwal to study our chapter of quadrilaterals. Okay. Can I rub all these things? Okay. Very simple question. Very simple question. We are given a polygon, given a regular polygon. Hamesha problem regular karke dega, tabhi na aap equal kar paoge. Given a regular polygon where each external angle is equal to 45 degree. Number two, find the number of sides. So, देखो कितना अच्छा question है. You don't know what type of polygon it is. ये hexagon है, ये triangle है, ये क्या है? हमें कुछ नहीं पता.
But what they have said to you is that the each external angle is 45, right? Each external is 45. You have to find how many sides are out there. तो सिंपल दिमाग लगाते हैं, हमें सबसे पहले बोला है कि ये रेगुलर पॉलीगन है. रेगुलर पॉलीगन मींस व्हाट? इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स. दीज इक्वल एंगल्स विल बी बोथ फॉर इंटरनल एक्सटर्नल एंड नंबर ऑफ एंगल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स. जितने साइड्स उतने ही एंगल. सोच के देखो, ट्राइंगल के कितने एक्सटर्नल एंगल होते हैं? 3 एक्सटर्नल एंगल होते हैं. ट्राइंगल के साइड कितने हैं? 3 ही है, ठीक है. नाउ वी डोंट नो व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स, सो ईच एक्सटर्नल एंगल इज 45. नाउ यू टेल मी व्हाट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर, और सम ऑफ ऑल रेगुलर से क्या लेना देना है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन. वी जस्ट डिड इट. व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन? 360 डिग्री. ईच एंगल कितना दिया है? ईच एंगल मीन्स ईच एक्सटर्नल एंगल. हा, ईच एक्सटर्नल एंगल टेल मी 45 डिग्री. तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालोगे? 360 डिवाइड 45, 9 5s are 45, 9 4s are 36, 9 0s are 0, 5 8s are 40, 8 sides. मतलब नाम क्या होगा बच्चा इसका? 8 में क्या होता है नाम? ऑक्टागॉन. आर वी फाइन? समझ में आया ये प्रॉब्लम? ऐसे ही इजी प्रॉब्लम्स आते हैं, दैट यू हैव अ रेगुलर पॉलीगन whose each external angle is 45, you need to calculate and say how many number of sides are there. So we know that the total number of sum of all the angles is always how much? 360. Each angle is 45. So we need to just understand how many sides are contributing to that 45, to that 360. So you just multiply 360, divide 360 by 45. ओके, अब आप एक प्रॉब्लम कीजिए. तो फाइंड, यू कैन राइट द क्वेश्चन इफ यू आर डन विद दिस वन. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 sides. मीन्स नोनागन इज गिवन टू यू. नोनागन के हर क्या निकालना है? एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा? तो कैसे बोलेंगे? कुल मिला के मेजरमेंट कितना होता है? 360. कितने साइड्स है? 9 sides. यानी कितने एक्सटीरियर एंगल? 9 एक्सटीरियर एंगल. हर एक एंगल कितना होगा? हाँ, वो तो मुझे ही बताया वैल्यू कितना हो गया. 40. Are we fine? Okay. एक और क्वेश्चन करते हैं. All of you could do it, है ना? Harshit, did you understand? Sum of all the exterior angles is 360 degree, and you need to find out. हाँ. कौन सा? अभी जो exterior वाला, जो आपको करने दिया वो वाला. हाँ, लिखिए. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ नाइन साइड्स. देखो, यहां पे आपने 8 sides निकाला, आपको एंगल दिया हुआ था. इस बार आपको 8 की जगह 9 sides दे दिया है, आपको एंगल निकालने बोल रहा है. फिर वही डिवीजन ही रहेगा, ठीक है? आराम से कीजिए. नेक्स्ट सम इज अगेन रेगुलर पॉलीगन
Each exterior angle is 24 degree. So I'll write these. This was our first sum. Our second sum was question number 2. Second sum is about a regular polygon. And sides are 9. You need to find out each exterior angle. This was the second problem. The third problem is again regular polygon, and here each exterior angle is 24 degree. Get me number of sides. ठीक है, हो जाएगा? एंड इन इंटीरियर एंगल में भी वही होता है बेटा. रेगुलर जब लिख दिया ना तो उसका एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल विद इन देमसेल्स. डोंट से एक्सटीरियर इक्वल टू इंटीरियर. इंटीरियर्स आर इक्वल विद इन देमसेल्स, एक्सटीरियर्स आर इक्वल विद इन देमसेल्स, एंड द काउंट ऑफ एक्सटीरियर एंड द काउंट ऑफ इंटीरियर एंगल मैचेस विद द नंबर ऑफ साइड्स. हाउ मच डू यू गेट? 15. या ठीक है. सो हियर यू नो ईच एक्सटीरियर एंगल, तो लिख लीजिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल. ये किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, आई कैन हेल्प आउट. अंडरस्टूड रितिशा? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर नंबर ऑफ एंगल्स निकल जाएंगे, एंड नंबर ऑफ एंगल्स एंड नंबर ऑफ साइड्स आर ऑलवेज सेम. आप मन मन में सोचो ना, एक ट्रायंगल में 3 एंगल और उसके साइड 3, एक रोम स्क्वायर में 4 साइड 4 एंगल होते हैं, तो साइड्स एंड एंगल्स आर ऑल सेम. आर वी डन? एंड द फॉर्मूला फॉर द इंटरनल एंगल सम इज व्हाट? एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. उसमें भी एक प्रॉब्लम लिख लीजिए. फाइंड द सम ऑफ नहीं, उल्टा करते हैं. द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स आप लिख लीजिए. सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू 540 रेगुलर पॉलीगन. सम ऑफ इंटरनल एंगल्स 540. सम ऑफ इंटरनल एंगल्स 540 रेगुलर पॉलीगन. गेट मी द नंबर ऑफ साइड्स एंड मेजर ऑफ ईच इंटरनल एंगल. 540. सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस. इट्स अ रेगुलर पॉलीगन. सम इंटरनल एंगल्स is equal to 540. I want each internal angle, what does it measure, and number of sides, and then you tell me what should be the name also. चलो जल्दी करो, ये इसके बाद आगे बढ़ना है. Did you understand this? Sum of the internal angles is 540. कैसे करोगे? फॉर्मूला यूज करो. नंबर ऑफ साइड्स तो एक ही बार भी निकल जाएगा. नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला रेगुलर पॉलीगन के लिए फॉर्मूला क्या था? इंटरनल एंगल्स का n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स. वहां 360 यूज करते थे, यहां ये फॉर्मूला.
What is the sum of all internal angles given to you as 540 degree? और आपको पता नहीं कितने साइड है, तो हमने इसको n ही रखा, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, n माइनस टू को वैसे ही रखो, 540 को हमने 180 से डिवाइड किया, 0 0 कट, 18 थ्री जो 54, सो n शुड माइनस टू इज इक्वल टू 3 और n शुड बी इक्वल टू 5। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स यू हैव, 5 साइड्स। व्हाट शुड बी द नेम, पेंटागॉन। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, नाउ सिंस यू आर रेगुलर ऑल योर इंटरनल एंगल शुड बी इक्वल, ऑल योर इंटरनल एंगल शुड बी इक्वल, द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इज हाउ मच, 540। हाउ मेनी इंटरनल एंगल्स यू हैव, 5, सो ईच इंटरनल एंगल वुड बी हाउ मच इक्वल टू, 540 डिवाइड बाय 5, डू इट, 5 वन जा 5, 0 एंड देन 5 एट जा 40, 108 डिग्री इज योर ईच इंटरनल एंगल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट और नॉट? इफ यू आर रेगुलर देन योर इंटरनल एंगल्स विद इन देमसेल्व्स आर इक्वल, द साइड्स आर इक्वल एंड द काउंट ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू द काउंट ऑफ साइड्स। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, थिंक ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 60 एंड देर आर 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। ठीक है, यहां पे पॉलीगन की कहानी हो गई हमारी खत्म। अब हम चलेंगे क्वाड्रिलैटरल में। चले, ये थोड़ा एनसीईआरटी बताया था, ये पोर्शन आरएस अग्रवाल में नहीं है करके। अब चलेंगे, हमारे चैप्टर इज ऑल अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल। नहीं, ठीक ही बोला, तुम लोग गलत मीनिंग उठाते हो, क्वाड्रिलैटरल के नीचे लड़की खड़ी है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल। तुम लोग सोचते हो गलत सा, मिस मतलब लड़की है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग नीचे खड़ी है, कहां, क्वाड्रिलैटरल के नीचे। तुमने क्या सोचा, सर ने बोला ना समझो क्वाड्रिलैटरल, ऐसा थोड़ी है। जैसे मैं सामर्थ को क्या बुलाता हूं, नालायक, ये समझता है कि मैं इसे गाली दे रहा हूं, ऐसा नहीं ना। आप नालायक वर्ड का मीनिंग समझिए पहले, ना लायक, सामर्थ इस वर्ड को ऐसे देख रहा है, नालायक, सो ही थिंक्स इनएफिशिएंट, इनकेपेबल। लेकिन मैं तो उसको ऐसे नहीं बुला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना लायक, ओ केपेबल, डोंट डू दिस, ना ना ए लायक, हमने उसको लायक बोला, एक्चुअली नालायक नहीं बोला। ये जब भी वो मुझे बोलेगा या पेरेंट्स को कंप्लेन, सर ना मुझे नालायक बुलाते हैं, तो मेरा एक्सप्लेनेशन ये रहेगा, लेकिन मन ही मन, लेकिन सर यही बुला रहा है, नालायक। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वाड्रिलैटरल को लेके, और यहां से आपकी चैप्टर बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर चीज को सुंदर से नोट कीजिए, क्वाड्रिलैटरल कैसा है, सर एक क्लोज्ड पॉलीगन है, क्लोज्ड पॉलीगन है, और क्लोज्ड ही होएगा, पॉलीगन क्लोज्ड ही होता है, जिसमें कि है 4 साइड्स, जिसमें है 4 एंगल, ठीक है ना। इफ साइड्स आर इक्वल, देन ये बनेगा कुछ जाके रेगुलर क्वाड्रिलैटरल, और इसको ऊपर बहुत स्टडी करना है, रेगुलर क्वाड्रिलैटरल। आगे जाके देखेंगे, इसके अंदर दो बच्चे आते हैं, वन इज नोन एज अ स्क्वायर, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, देन और क्या है, रोम्बस। सर व्हाई डिडंट यू नॉट से अ रेगुलर हेक्सागन, I will say a nalayak, we are studying quadrilateral with 4 sides. Hexagon has got 6 sides. So all those are discarded. Now you have gone on very specific. Quadrilateral, जिसमें 4 साइड है और 4 एंगल होते हैं, अगर चारों साइड इक्वल हो जाता है तो उसे हम रेगुलर क्वाड्रिलैटरल कहते हैं, एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर विथ 2 सच शेप्स, इफ नॉट वी विल बी स्टडिंग देम अगेन इन डिटेल, स्क्वायर एंड रोम्बस। रोम्बस बोले तो काजू कटली है ना, काजू कटली रोम्बस जैसा होता है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया। अच्छा, 4 एंगल होते हैं, तो पहले पहले हम जेनेरिक केसेस ड्रॉ करेंगे, और जेनेरिक केसेस कैसा रहेगा, सर इन जेनेरिक केसेस
वी विल नॉट कंसिडर एनी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, सो वी विल कंसिडर ऐसे ही अनाप शनाप इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तुम्हारे जैसे, मतलब ना पढ़ाई में ध्यान ना इसमें ध्यान, खाली सर गेम्स पीरियड में ध्यान, तो चलो एक क्वाड्रिलेटरल तो बनना पड़ता है। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। व्हेन वकुल इज ब्रेकिंग अ डेयरी मिल्क विदाउट एनी इंटरेस्ट और लव और डेडिकेशन टू डोनेट, बट इज कंपेल्ड टू डू इट बिकॉज हिज पेरेंट्स आर सेइंग, देन द डेयरी मिल्क ब्रेक्स इन अ शेप लाइक व्हाट, एन इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल। सो वी नेम इट बेटर, व्हाट डू वी नेम इट एज, A, B, C, D, and the naming is always done in cyclic or counter-cyclic way. Got it? And we are not talking about regular quadrilateral, because if you talk about regular, you are being very specific, Ram and Shyam. But we need to take care of everyone, Mohit, Aman, Amit. Jaise kaisa rehta hai? You go to south and you throw a stone with the name Srinivas, anyone who is hit will be Srinivas. If you go to north, take the stone and hit, anyone who is hit is Amit. Amit is such a common name. पत्थर लेके मार दो ऐसे भीड़ में, जिसका सर फटा वही अमित है। एंड साउथ में आप ऐसे आंध्र में है, तेलंगाना में पत्थर लेके मार दो, जिसका सर फटा वही श्रीनिवास है। सुनो, समझ आया? ठीक है, एबीसीडी आइए। अब एबीसीडी में सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, देखिए कैसे ज्वाइन कर रहे हैं सर, एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, राइट? आई हैव ड्रॉन अ डायगोनल, आई हैव ड्रॉन अ डायगोनल, व्हाट इज दिस नोन एज, योर डीबी विल बी नोन एज अ डायगोनल, डायगोनल। आप ऐसे बेसिक्स को क्लियर करोगे आपको सब क्लियर है। बी माने डीबी, डीबी मीन्स डायगोनल, डीबी 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 DB means like me, dynamic Bengali, ठीक है ना? और ये अत्रेय जैसा होगा तो SB, सोता बंगाली, ठीक है? So ये DB हो गया, अच्छा नहीं बना, ठीक है? ये हमारा DB हो गया, DB को हमने एक डायग्राम बनाया। अब आप ना, आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी रहेगी, आप पहले मन दे के समझो पहले, तो क्या होगा एग्जाम में अगर आप भूल भी जाओगे ना, आप सब कुछ निकाल सकते हो। सो वी हैव ड्रॉन अ डायगोनल DB. So somebody might tell me, sir, why didn't you draw a diagonal AC? I will say we can draw a diagonal AC also, your choice. मैंने DB बनाया है, ठीक है? अब DB बनाने के बाद DB diagonal ने क्या किया? इसने जो हमारा quadrilateral था, quadrilateral, और ये quadrilateral कौन था? ABCD. अच्छा, quadrilateral का ना symbolic representation is like this. आप ऐसे भी लिख सकते हो, quadrilateral ABCD, ऐसा square एक बना के. इस क्वाड्रिलेटरल को तोड़ दिया दो ट्राइंगल्स में, अगर आप अच्छी तरह देखें तो देयर इज अ ट्राइंगल अबडा एंड अ ट्राइंगल डबसा, एबीडी एंड डीबीसी। डू यू एग्री? इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, देन आई एम नेमिंग दिस इज ट्राइंगल टी वन एंड दिस इज टी टू, दिस इज माई ट्राइंगल टी वन एंड दिस इज माई ट्राइंगल टी टू। डू यू अंडरस्टैंड? यस, यू बेटर अंडरस्टैंड। Ding, 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 ding. Okay. So, let's see the first thing. If you look at ABD, then let's try to see sum of internal angles. Means, which is better known in your school as angle sum property. Angle sum property. Yeah, aisa bole to sir samajh mein aata hai. Aap kya bolte rehte ho? Angle sum property. To kuch angles ke naam dete hai. Aajao bachcha. Kya naam dete hai? इसको दे देते हैं वन, इसको जबरदस्ती टू ए नाम देता हूं और इसको टू बी नाम देता हूं, इसको थ्री, इसको फिर फोर ए बोलता हूं और इसको फोर बी बोलता हूं, ठीक है? समझ में आया? आ जाओ, तो एबीडी के लिए करो तो एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होगा बेटा, फोर बी प्लस वन प्लस टू ए, है ना? फोर बी प्लस वन प्लस टू ए, don't you think it should be 180 degree? Yes. And DBC के लिए करे तो कितना होना चाहिए सर, 4a plus 3 plus 2b again should be 180 degree. Got it?
However, if we look at quadrilateral ABCD, then sum of internal angles. Now I am talking for the quadrilateral ABCD. Okay, pay attention from here. खाली कॉपी मत करो बच्चा, समझो. तो क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स क्या क्या है देखो. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी. डोंट यू थिंक सो? राइट. अच्छा, अगर हम यहां पे इफ यू ट्राई टू टेक अप, लेट्स से आई एम स्टार्टिंग लाइक दिस, आई एम स्टार्टिंग लाइक दिस, एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ऐसे लिखता हूं. समझ में आया? एक ही बात है. अच्छा, D को क्या लिख सकता हूं? D को 4A प्लस 4B लिख सकता हूं. D एंगल D इज 4A प्लस 4B. A को क्या लिख सकता हूं? सर A को एंगल 1 ही लिखिए आप. B को क्या लिख सकता हूं? सर B को 2A प्लस 2B लिख सकता हूं. और C को क्या लिख सकते हैं? C को 3 लिख सकता हूं. जरा देखो तो, हैव यू सीन? Now you tell me, if I pick up 4B, look at my red circles, if I pick up 4B, if I pick up 1, and if I pick up 2A, 4B, 2A and 1, what is their valuation equal to? 180 degrees. Wow, 180 degree. And if I pick up 4A, if I pick up 2B, if I pick up 2B, and if I pick up 3, then what is their valuation? 180. Are there any angles left now out here? No. Therefore, the sum of all internal angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. Very important. If a quadrilateral you have got as ABCD, then angle A plus angle B plus angle C plus angle D इज इक्वल टू 360 डिग्री. भैया याद रखिएगा, गाड़ी स्लिप हो जाएगी आपकी. एंड इफ यू आर द डम्बो ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर, देन अ क्वाड्रिलेटरल हैज टू ट्राइंगल्स, ईच ट्राइंगल इज 180 180, सो इट एड्स टू 360. सर इतना सब क्यों बताया था? नालायक है ना? ना नालायक, इसीलिए बताना पड़ता है. ठीक है, समझ में आया? याद रहेगा आपको. ए अभी कहाँ है तू? पढ़ाई लिखाई करता है कि नहीं? ना ऐसे ही ढोंग करने के लिए बैठा है आज वहां पे, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कितना पढ़ाई करता है तू. हाँ, मोमो खा रहा है नीचे झुक झुक के साधु महाराज की तरह. अभी वो सोच रहा है क्यों मैंने ये क्लास ज्वाइन किया, कमर दर्द, बिस्तर के ऊपर लैपटॉप लेके बैठा है. देख क्या चखना उखना बना के दे रहे साइड में. थोड़ा शरबत उर्बत दो, छाछ वाँच, अमूल बटर मिल्क, हल्दीराम भुजिया. अरे समझ में आया बच्चा? शुरुआत हुई है चैप्टर की क्वाड्रिलेटरल से. क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड, चार, चार साइड, चार एंगल, है ना. मेजरमेंट ऑफ ऑल द फोर एंगल्स टेकन टुगेदर इज 360 डिग्री. एंड इफ यू फॉरगेट एनी टाइम, ज्वाइन एनी any of the diagonal. And now since I said that, sir, why didn't you join the diagonal AC? Look, if I join the diagonal AC also, story remains the same. This diagonal is going to divide the quadrilateral into two triangles, P3 and T4. Each triangle angle sum property is how much? 180 degrees. So 180 will give you 360 degrees. Samajh mein aaya? एक पीटूंगा ना एट अ टाइम एनी वन ट्राइंगल. तो समझ नहीं आता, एक डायगनल लो, आइदर यू लुक एट द रेड वन और यू लुक एट द ब्लैक वन, व्हिचएवर इज योर चॉइस. एंड हाउ कैन यू हैव फोर ट्राइंगल्स इफ यू ऑलरेडी कट इट अलोंग दिस, देन देयर आर टू ट्राइंगल्स. उसके बाद तुम काटोगे कैसे? तो क्वाड्रिलेटरल तो मर चुका है. या फिर यहां से काटो तो दो ट्राइंगल. गॉट इट? चलें, क्या इतना हमें समझ में आ गया है? आइए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. और यहां से एवरीथिंग इज इजी बट नॉट टफ, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू फॉरगेट भी है, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है. अभी आगे आप जितने क्लासेस में जाओगे ना,
concepts are not tough. Concepts will be very easy, but the number of concepts will be a lot. जैसे जैसे आप 7 चैप्टर पढ़ोगे ना, आप फर्स्ट चैप्टर भूलना शुरू करोगे. ह्यूमन ब्रेन है ना, तुम्हें थोड़ी याद है किसी एक एपिसोड में, 201 नंबर एपिसोड में क्या हुआ था, वो कहानी अभी याद रहेगा? नहीं रहेगा. तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि कल क्या हुआ था, है ना? अब वकुल को मैंने क्लास से कब निकाला था, याद है वो डेट? नहीं याद ना, भूल जाते हैं. हाँ तो वैसे भूल जाए. चलिए ब्रीफ केस, बहुत कांड है इसके, ब्रीफ केस कांड. चलिए क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल के देखेंगे टाइप्स. टाइप्स सबसे पहले ऐसा एक टाइप लेता हूं, ऐसे पढ़ोगे तो समझ में आएगा. ठीक है, ए बी सी डी. अब इस क्वाड्रिलेटरल पे देखो तो मैंने क्या कैसा नंबरिंग किया है. यहां पे ऐसा कट मारा है, यहां पे ऐसा कट मारा है, मींस दीज टू साइड्स आर इक्वल. गॉट इट? यहां पे डबल कट मारा है और डबल कट मारा है, मींस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, बट दिस इज इक्वल टू दिस. अंडरस्टूड? दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है. ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल की खासियत क्या है? अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच इंटरनल एंगल इज 90 डिग्री. पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच इंटरनल एंगल इज 90 डिग्री. पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो यहां पर लिख लीजिए, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके केस में क्या हो रहा है? Pair of opposite sides are equal and each internal angle is equal to 90 degree. बहुत इंटरेस्टिंग. देखो 90 को 4 से करोगे तो कितना आएगा? 360. अभी अभी तो आपने वो पढ़ा that the sum of all internal angles of a quadrilateral is how much? 360. ठीक है, आइए यहां से कुछ और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन होता है हमारा. अगला वाला जो रेक्टेंगल है ना, इसको थोड़ा सा शेप में ड्रॉ करता हूं, अब आपको कहानी समझ में आएगा. ठीक है, इन अदर वेज वी कैन ऑल्सो सी, लुक एट वन मोर सिंबल दैट आई एम ड्रॉइंग. सिंस द ऑपोजिट एंगल्स एंड ऑल आर 90 डिग्री, वी कैन ऑल्सो ड्रॉ अ सिंबल लाइक दिस. This means that in a rectangle, your AB is always parallel with, AB is always parallel with DC. Opposite sides are parallel. Opposite sides parallel भी होते हैं. ये भी interesting है. उसी तरह ये दोनों opposite side भी parallel है. That is, AD is parallel to BC. देखो, बड़ा मजेदार चीज है. ए बी इज पैरेलल टू डी सी. समझ में आया? सो हाउ विल यू क्वालिफाई सम क्वाड्रिलेटरल टू बी अ रेक्टेंगल? इफ योर क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, देन इट्स ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल एंड ईच इंटरनल एंगल शुड बी 90 डिग्री. अगर वो नहीं बोल के, अगर आप बोल रहे हो सर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्या वो बनेगा? आई एम सेइंग ईच इंटरनल, ईच pair of opposite sides are equal and parallel. I am not specifying 90. क्या वो rectangle बनेगा? उसका answer अभी देखते हैं. हाँ, मन तो करता है कि वो rectangle बनेगा. जरा देखते हैं कैसे rectangle बनेगा. ठीक है, आइए इसी rectangle को हमने ऐसे बना लिया इस बार. क्या ये rectangle है? हाँ है, पर इस rectangle को नाम थोड़ा अलग देता हूँ. A, फिर इसको हम नाम देते हैं B, इसको C डैश नाम देता हूं और इसको D डैश नाम देता हूं. इज इट अ रेक्टेंगल? यस. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल? यस सर. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल? यस सर. ईच एंगल इज 90 डिग्री? यस सर. बट देयर इज अ क्राइटेरिया. बढ़ती सूरज की रोशनी में बच्चा परेशान हो जाता है, अभी इसे चाहिए ग्लूकॉन डी या ग्लूकॉन सी. जब ऐसा हो जाता है ना,
तो हमारा रेक्टेंगल क्या हो गया, धूप में खड़ा है अभी रेक्टेंगल, धूप में खड़ा हो के रेक्टेंगल बन जाता है थोड़ा सा क्या, कमजोर। और कमजोर होते ही ऐसा तो खड़े नहीं रहते ना, ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, तो ये रेक्टेंगल भी क्या करता है ना, थोड़ा सा शिफ्टी मार देता है, क्या मारता है, शिफ्ट। हाँ, अब ये जो पॉइंट है ना, इसको हम बोलेंगे डी, वो ऐसा ही शिफ्टिंग ये भी मार दिया ससुरा, कौन, ये भी शिफ्टिंग मार दिया है, यहां से ऐसे शिफ्ट मार दिया, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया सी। ठीक है, अब जरा खासियत देखो, लुक एट द ब्यूटी, लेट्स सी व्हाट ऑल क्राइटेरियाज आर बीइंग मेट, फर्स्ट सी, लेट्स सी व्हाट ऑल क्राइटेरियाज आर बीइंग मेट। इज दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड, यस आई से एडी इज पैरेलल टू बीसी, वेरी गुड। आई ऑल्सो से यही चीज तो ऐसे ले लिया ना, तो ये और ये इक्वल भी है, आई ऑल्सो से एडी इज इक्वल टू बीसी, वाओ। लेट्स गो एंड लुक एट दिस साइड, इज डीसी पैरेलल टू ए बी, यस सर डीसी इज पैरेलल टू ए बी, डीसी इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जितना मूव किया ये भी उतना मूव किया, पहले ऐसे था, वाइपर की तरफ फिट मार दिया ऐसे, तो क्या हो गया, वी से दैट डीसी इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं आपको, इज एंगल डैब इक्वल टू 90 डिग्री, ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आपको, इज एंगल डैब, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज डैब, दिस इज द एंगल, इज इट 90 डिग्री, नो, इसको आप रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हैं, रेक्टेंगल के लिए मैंडेटरी क्राइटेरिया है कि ये होना चाहिए, दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स, रेक्टेंगल के लिए 90 डिग्री होना ही है, इसमें 90 नहीं है, क्या ये क्वाड्रिलैटरल है, हाँ है, क्या ये रेक्टेंगल है, नहीं है, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, देखो कैसा है। अच्छा तो फिर पैरेललो, तो यहां पे हम बोलेंगे नो, तो फिर पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या है, पैरेललोग्राम का कंडीशन है ऑपोजिट साइड्स पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, और आप बोल सकते हो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी हम बोल सकते हैं, इन दोनों को मिला के भी एक चीज बोल सकते हैं, सी व्हाट इज दिस थिंग टेलिंग मी, दिस थिंग टेल्स यू, यू आइदर से डीसी इज पैरेलल टू एबी एंड अलोंग विद इट आल्सो से एडी इज पैरेलल टू बीसी, दोनों को आपको रेस्पेक्ट देना है। सर हम दोनों को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहिए फिर भी पैरेललोग्राम बोलना चाहते हैं, तब एक और रूल है, वन इज दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, दैट वे यू कैन से, Another is, sir, this is equal to this and this is equal to this. Yes, that's also parallelogram. But sir, I want to stick by one side. Then I'll say, pair, one pair of opposite sides, isse bhi thora le lo, isse bhi thora le lo, are equal and parallel. Dekho bachcha, ye bahut interesting cheez hai. How to prove this is a parallelogram? Either you say this is parallel to this and this is parallel to this. Agreed. How can you say it's a parallelogram? This is equal to this and this is equal to this. Good. How can you say? I'll say only by these two. These two are parallel as well as equal. Then also it's a parallelogram. So if you want to play on the property of equality, you should prove it for both pairs. If you want to play on the property of parallel, you should play for both. But if you want to play on both parallel and equality, one pair ke liye bolne se bhi sufficient hota hai. That DC, so isko hum parallelogram ke liye kya bol sakte hain? Option one kya hoga? Ya to aap ye boliye DC is parallel to AB. Now, ab thodi der mujhe dekhiye bachcha, please. If you only write DC is parallel to AB, it need not be a parallelogram. ऐसा कैसे सर, ये देखो, ऐसे देखो, डीसी इज पैरेलल टू ए बी मान लिया, लेकिन ये साइड ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है ना, डीसी इज पैरेलल टू ए बी,
ये पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको? नहीं है, इसलिए आपको दूसरा क्या बोलना पड़ेगा? आपको दूसरा बोलना पड़ेगा AD इज पैरेलल टू BC, मतलब D अगर यहां आ जाए, इफ दिस इज ऑल्सो पैरेलल, अब पैरेललोग्राम दिखता है आपको. सो इफ यू वॉन्ट टू प्ले विथ पैरेलल्स देन यू शुड सेव फॉर बोथ, दिस इज वन ऑप्शन, ऐसे बोलो. या फिर ऑप्शन टू है, आप ये बोलो DC इक्वल टू AB और ये भी बोलो कि AD इक्वल टू BC, ये भी चलेगा. एक और ऑप्शन होता है सर, ये झालमुड़ी जैसा ऑप्शन है, सबसे थोड़ा मिला के, उसमें आप ये बोल दो DC पैरेलल टू AB, DC इक्वल टू AB, और यू से AD पैरेलल टू BC, AD इक्वल टू BC. एनी वन यू से इज फाइन, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल. ठीक है, सो रेक्टेंगल इज नॉट अ पैरेललोग्राम. नाउ वी रिवर्स इट, इज द रेक्टेंगल ए पैरेललोग्राम? यस, मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया, पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल तो नहीं है. क्यों सर 90 पे फेल कर रहा है? क्या ये पैरेललोग्राम है? जरा पैरेललोग्राम के क्राइटेरियाज देखो. ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, सर पास कर गया. ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल, सर पास कर गया. 90 डिग्री एडिशनल मिल रहा है. ये वो अच्छा बच्चा है जो टीवी भी अच्छा देखता है. हमें अच्छे बच्चे की तलाश थी, साथ में टीवी भी देखता है, तो ज्यादा मिल गया. सो वी विल से रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज अ, यस आई लव दैट, इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम को लिखने का टेक्निक होता है डबल लाइन GM, ऊपर GM लिखता है. रेक्टेंगल इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम. समझ में आया? तो और पढ़ाएंगे तो बोर हो जाओगे तुम. ऐसा ही एक कहानी फिर हम देखेंगे अगले क्लास में, किसके साथ पता है? स्क्वायर. स्क्वायर को धूप में खड़ा कर दिया, फिर स्क्वायर कैसा हो गया? ऐसा हो गया. कौन पैदा हुआ? रोम्बस पैदा हो गया स्क्वायर से. सो इज अ स्क्वायर अ रोम्बस? यस. इज अ, हाँ यस, स्क्वायर इज अ रोम्बस. इज अ रोम्बस अ स्क्वायर? नो. अच्छा, इज अ स्क्वायर अ पैरेललोग्राम? यस, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. इज अ पैरेललोग्राम अ स्क्वायर? नो. इज अ रोम्बस अ पैरेललोग्राम? यस. अभी समझ में आ रहा है कहानी कैसा है? और ट्रपीजियम कैसा है? नालायक बेटा, ना तो हाँ वो जो ड्रॉ किया था, ना तो पैरेललोग्राम है, ना तो रोम्बस है, ना तो स्क्वायर है, तो क्या है? ना ना अलायक. ओके पीपल, डोंट डू दैट. आज की कहानी यहां पे खत्म करेंगे. अच्छा, बिफोर वी स्टॉप, नो पैकिंग अप, ईच वन ऑफ यू, है ना, विथ यू आई स्टार्ट. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्वाड्रिलैटरल? डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल पैरेललोग्राम एंड द स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल बीइंग अ पैरेललोग्राम? हैव यू अंडरस्टूड दिस? हर्षित, हैव यू अंडरस्टूड? रेक्टेंगल बोलने से 90 का क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, वो भी स्क्वायर में भी करना पड़ेगा. स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या पता है? स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है. बाकी सबको समझ में आया? अगर ऐसा बात है तो फिर आज की ये रंगारंग कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, है ना. कोई मोमो खाने के